गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आ जाओ जल्दी से सभी। आपकी क्लास शुरू हो चुकी है कक्षा 10 की एनसीईआरटी मैथ। मित्रों, ये सुबह 8 बजे से आप हर दिन देखते हो कक्षा 10 की एनसीईआरटी मैथ, और आपको एक बहुत बड़ी खबर मैं आज देने वाला हूँ। वो क्या है, ध्यान से सुनना। सबसे बड़ी खबर ये है कि आपका जो चैनल मैथ आसान है हुआ करता था, अब उसका नाम पीवीआर स्टडी फॉर 10th एंड 12th कर दिया गया है। 10th एंड 12th एनसीईआरटी कोर्सेज आपको मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ 10th और 12th की ही क्लास मिलेगी, बस बाकी कुछ नहीं। चैनल का नाम क्या रहेगा? पीवीआर स्टडी फॉर 10th एंड 12th। इसे आप मैथ आसान है नाम से भी खोज सकते हैं, यूट्यूब पे मिल जाएगा। और चलते हैं अपने टॉपिक पे। एक्सरसाइज 3.2 का हम क्वेश्चन करेंगे, ध्यान देना, ठीक ना। पीवीआर स्टडी प्रयागराज का नाम पीवीआर स्टडी फॉर बेसिक एंड डीएलएड मैथ कर दिया गया है। पीवीआर स्टडी ग्रुप का नाम पीवीआर स्टडी फॉर एसएससी, पुलिस, टेट सीटेट एवं अदर वन डे एग्जाम कर दिया गया है, ठीक ना। तो ये सभी अलग अलग भाग में बट गए हैं, अब उन पे उसी प्रकार के मटेरियल मिलेंगे जिस प्रकार का चैनल है। ओके, क्वेश्चन देखना। कक्षा यक्स का मतलब होता है 10, रोमन संख्या में लिखा है मान लो, या फिर यक्स ही मान लो, कुछ भी मान लो। तो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की प्रतियोगिता में भाग लिया है। उसके बाद होता क्या है, कह रहा कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या क्या है, लड़कों से 4 अधिक है, मतलब लड़कियां ज़्यादा हैं, अगर लड़के 5 हैं तो लड़कियां 9 होंगी, है ना। आगे देखना, कह रहा तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। और इसको करना क्या था पता है, क्वेश्चन का जो टाइटल था ऊपर आप बुक में देखोगे, कक्षा 10 के एनसीईआरटी मैथ 3.2 में तो लिखा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उन्हें ग्राफीय विधि से हल करना है। तो इसमें हमें रैखिक समीकरण का एक युग्म बनाना है और ग्राफ विधि से हल करना है। चलिए लिखिए, माना लड़कियों की संख्या, अब इसमें आप लड़कियों और लड़कों की संख्या दोनों मान लेंगे। माना लड़कियों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, कुछ भी मान लो यक्स, तथा लड़कों की संख्या लिख लो, लड़कों की संख्या इक्वल क्या हो जाएगा, वाई, इतना ठीक है। आगे कह रहा कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या बताओ। लेकिन उसके पहले कह रहा था कि प्रतियोगिता में 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया है, यानी कि यहाँ पर आप लिखोगे कुल विद्यार्थियों की संख्या, है ना, कुल विद्यार्थियों की संख्या, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हो, प्रतियोगिता में भाग लिए कुल छात्रों की संख्या, छात्र छात्राओं की संख्या, मतलब उसमें दोनों शामिल होगी। तो ये हो जाएगा कितना, संख्या यक्स प्लस वाई इक्वल 10, क्यों, क्योंकि दिया गया है, कह रहा कि कुल संख्या जो है वो 10 है, है ना, इतनी बात पक्की। ओके, तो ये समीकरण हो गया एक, क्या हो गया, ये समीकरण एक हो गया, पहला समीकरण बन गया। दूसरा कैसे बनेगा, कह रहा था कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, यही तो दिया है ना, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, लिखो लड़कों से लड़कियां 4 अधिक है, लड़कों से लड़कियां 4 अधिक हैं, क्या है, अधिक है। तो चाहे तो लड़कों की संख्या से 4 कम कर दो और चाहे लड़कियों की संख्या में 4 जोड़ दो, दोनों का मतलब एक ही होगा, है ना। तो चलिए कर लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे, लिखो इसलिए, इसलिए यक्स माइनस वाई इक्वल क्या हो जाएगा, 4। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ध्यान देना, इसको मैंने यक्स माइनस वाई क्यों किया पता है, क्योंकि यक्स माइनस वाई इक्वल 4, यानी कि लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों से 4 अधिक है, इसका मतलब क्या होगा, चाहे तो उसको 4 अधिक कर दो लड़कों वाले में, यार इसको नहीं समझ में आया होगा ना, आपको नहीं आया होगा ना, ध्यान दो ये चीज़, ये नहीं समझ में आया होगा, मुझे पता है कि काहे करती है ऐसे। देखो इधर, इधर देखो, लड़कियों की संख्या हमने क्या माना था, यक्स माना था ना, लेकिन अभी ध्यान देना, इसको ऐसे समझ लो आप कि देखो भाई,
लड़कियों यानी कि गर्ल्स की संख्या क्या है, एक्स है, बॉयज़ की संख्या क्या है, वाई है, तो कह रहा कि चार अधिक है। कहने का मतलब जब गर्ल्स की संख्या से बॉयज़ की संख्या को घटा दिया जाता है तब क्या होता है, लड़कियों की संख्या जो बराबर बचती है वो क्या होती है, चार रह जाती है। क्यों रह जाती है, क्योंकि चार अधिक थी, इस कारण से ये एक्स माइनस वाई इक्वल फोर हो जाएगा, ये समीकरण दो हो गया। अगर आपको ये नहीं समझ में आया ना तो आप जीरो लेवल बेसिक मैथ देखिए, वहाँ से आपको एकदम क्लियर कर दिया जाएगा। तो आप इतना उतार लेंगे इधर वाला समीकरण दो तक, उधर ये छोड़ देंगे, इसको मैं समझाने के लिए बताया हूँ, ठीक ना। इसके बाद फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन, आप जल्दी से वीडियो को रोक करके लिख लीजिए, तब हम अगले स्टेप पर चलते हैं, इसको ग्राफ विधि से हल करेंगे, ध्यान देना। अब इन दोनों समीकरण को ग्राफ विधि से हल करना सीखो। देखिए पहला समीकरण आया था एक्स प्लस वाई इक्वल टेन आया था, दूसरा इक्वेशन आया था अभी अभी आपने देखा था x माइनस वाई इक्वल क्या आया था, फोर आया था, यही आया था ना। चलो ठीक है, अब इसमें x को एक तरफ कर दिया और y और जो अचर पद था एक तरफ कर दिया। तो साथियों इसमें क्या करते हैं, ये सारणी विधि से या ग्राफ विधि से समीकरण का हल करने का नियम है, ध्यान देना। कोई भी समीकरण इस तरह से आप हल कर सकते हो, ठीक ना। अब इसमें साथियों y का कोई आप मान पुट करोगे एक, जैसे y का मान अगर मैं एक रख देता हूँ तो क्या आएगा पता है आपको, y का मान अगर इसमें मैं एक रखूँगा तो ये x इक्वल टेन माइनस वाई बनेगा और x इक्वल दस माइनस एक, यानी x का मान माइनस नौ आएगा। माइनस नौ ऐसे कुछ ज़्यादा आ रहा है ना, कहने का मतलब छोटे छोटे मान आएंगे तो हमें ग्राफ छोटा बनाना पड़ेगा, है ना। अगर बड़े बड़े मान आएंगे तो ग्राफ बड़ा सा बनाना पड़ेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, ये मान जो है कुछ ऐसा रखेंगे कि छोटा मान आए, मतलब बड़ा ना आए, ये आप स्वतंत्र हो रखने के लिए, जीरो से लेकर के अनंत तक कुछ भी रख सकते हो, जो भी आप चाहो, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, यक्स इक्वल वाई की जगह पाँच रखेंगे, तो इस तरह से हमें यक्स का मान भी क्या मिलेगा, छोटा सा मिलेगा, पाँच मिलेगा, यानी कि वाई की जगह पे हमने पाँच रखा तो यक्स का मान भी क्या मिला, पाँच मिला। इस तरह से यक्स का मान क्या मिलेगा, जब हम वाई का मान छः रखेंगे, देखो वाई का मान छः रखेंगे तो चार मिलेगा, अगर इसे हम सात रख दें तो ये तीन मिलेगा, है ना, कितना आसान, बहुत मज़ेदार है ना। चलो इसमें कर लेते हैं साथियों, वाई का मान सोचो अगर मैं एक रख दूँ तो यक्स का मान हमें पाँच मिल जाएगा, बोलो मिलेगा ना। अगर वाई की जगह पर मैं दो रख दूँ तो यक्स का मान हमें चार दो छः मिल जाएगा, लेकिन अगर यहाँ मैं तीन रखूँगा तो यक्स का मान सात हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके चलिए लिख लिए, इतना नोट कर लो फटाफट, ये आपका हो गया ना इतना मान। अब देखो इन बिंदुओं को ग्राफ में कैसे दिखाते हैं, ध्यान देना ग्राफ में कैसे दिखाते हैं। चलिए साथियों ऐसे ग्राफ बना लेना, वैसे एग्जाम में आपको हो सकता है ग्राफ का पेज मिलेगा, और नहीं तो आप ग्राफ का पेज लेके जाओगे, ठीक ना, परीक्षा में ग्राफ का पेज मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो ऐसे बना देना, कोई दिक्कत नहीं, वैसे तो मिलता है ऑलरेडी, ठीक ना। चलिए तो ये हो गया हमारे ग्राफ, ग्राफ पे हम नंबर देखो सात तक लिखे हैं चारों तरफ, क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़े नंबर सात आए हैं, और इसीलिए मैं छोटा नंबर लाने की कोशिश कर रहा था। अगर मैं नौ ले आता, बीस ले आता, पच्चीस ले आता तो हमें ये गिनती पच्चीस तक लिखनी पड़ती, ये बीस तक लिखनी पड़ती, तो शायद बहुत बड़ी हो जाती ना। ओके चलो ठीक है, पहले मान देखते हैं, यक्स पर देखो ये प्लस है, वाई भी प्लस है, दोनों पाँच पाँच, तो यक्स पर हम प्लस में पाँच बिंदु आगे चलेंगे, ध्यान देना जीरो यहीं है, एक दो तीन चार पाँच, मतलब यहाँ मिल रहा है। वाई पर भी हमें क्या करना है, पाँच आगे चलना है, तो चलो फिर एक दो तीन चार पाँच यहाँ मिल रहा है, यानी इसको हम ले आके ऐसे इसके सीध तक लाएंगे, ये फाइव कामा फाइव यहाँ मिल रहा है। ओके ठीक, अगला देखना सिक्स कामा फोर, वाई पर सिक्स चलना है और यक्स पर फोर चलना है, तो चलो ठीक है, ये है यक्स वाला, ये देखो कितना चलना है, इस पर फोर चलना है, y पे सिक्स, यानी यहाँ कहीं आएगा कितना है, फोर कामा सिक्स। ओके और आगे देखना अभी, ये थ्री और सेवन, यक्स पर थ्री और y पर सेवन, तो यक्स पर थ्री ये और y पर सेवन, मतलब यहाँ कहीं आएगा थ्री कामा सेवन, बहुत ही गौर से देखते जाना साथियों, बस इसको ग्राफ रूप में आपको खींच देना फटाफट, बस फिर कोई मुसीबत नहीं आएगी। ओके ठीक है, चलिए ध्यान देना, इसी तरह से पहले आप दूसरा भी दिखा लो फिर हम ग्राफ खींचते हैं,
दूसरा भी दिखा लें, पहले खींच ही लेते हैं। चलो पहले खींच ही लेते हैं, इसको ध्यान देना। तो ये जहाँ जहाँ से होते हुए गई है वहीं से आप ग्राफ बना दोगे। देखो यहाँ से गई है और यहाँ से और यहाँ से ना, तो ऐसे ये ग्राफ बनेगा साथियों, ऐसे, ठीक ना। ऐसे क्या बनेगा, ये ग्राफ बनेगा, ये हो गया, ठीक। इसी तरह से आप दूसरा भी दिखा दो, उसका भी खिंच जाएगा। चलो यक्स पर 5 और वाई पर 1, यक्स पर क्या है 5 है प्लस में, यानी 5 मतलब ये है ना, वाई पर 1 मतलब थोड़ा सा ऊपर जाएगा, कहने का मतलब ये यहाँ कहीं आएगा, आएगा ना, इसे क्या बोलेंगे 5,1, ठीक। अगला देखना, यक्स पर 6 और वाई पर 2, तो यक्स पर 6 चलो आगे, ये यहाँ पर है, और वाई पर 2, 2 मतलब यहाँ पे, कहने का मतलब ये यहाँ कहीं होगा 6,2। ध्यान देना आगे क्या होता है, यक्स पर 7 और वाई पर 3, तो यक्स पर 7 यहाँ है और वाई पर 3 मतलब ये आया यहाँ पर कहीं है 7,3। ओके, मिल गया ना तीनों। अब तीनों पॉइंट को ऐसे मिला देना पटरी और प्रकार रख करके कि ऐसे काटता हुआ निकल जाए। इसी पर से जाना चाहिए, बगल से नहीं जाना चाहिए, मतलब थोड़ा सीधा खींचना ऐसे, ठीक ना, ऐसे एरो बना के। तो ये हो जाएगा साथियों आपका ग्राफ, जिसे आप इस तरह से बना सकते हो। और ये जो मैंने आपको ऐसे ऐसे खिंचाया डाट डाट ना, ये केवल समझाने के लिए दिखाया, बाकी ये चीज़ आप नहीं बनाओगे, ये लाइन तो उस पर बनी रहेंगी ऑटोमेटिक। ग्राफ पेपर आप लोगे, मार्केट में मिलता है, उसमें ये लाइनें और ये सब बना रहता है, ठीक ना, अलग से नहीं बनाना रहेगा, ये पॉइंट रखने रहेंगे बस। तो लिख लो जल्दी से, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, है ना। इसका अगला इसमें से होमवर्क कर लेना, इसमें जितने भी और भी पार्ट्स दिए गए इस तरह से उनको रख लेना। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करना, कमेंट करोगे तो हम आपको ज़रूर बताएंगे, ठीक ना। ओके साथियों, दूसरा क्वेश्चन देखिए, हम उतारेंगे नहीं, आप सुन लो ध्यान से, ठीक ना। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आप कर लेना, मैं हिंट बता दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य कितना है, 50 रुपये है। 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपये है, आगे देखना। जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है, तो 1 पेंसिल और 1 कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्या करोगे, पहले अलग अलग मान लोगे, ठीक है। लिखो माना, माना लिखो, एक पेंसिल का मूल्य बराबर यक्स रुपया, एक का यक्स मान लो, दूसरे का वाई मान लो। फिर लिखना माना एक कलम का मूल्य इक्वल वाई रुपया। अब आगे क्या कह रहा था, कह रहा था कि 7 पेंसिल तथा 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है। तो साथियों यहाँ पर आप नीचे लिख देना ऐसे प्रश्नानुसार, ठीक ना, प्रश्नानुसार कितना पेंसिल बोला था पहले, कितना बोला था, 5 ना, 5 ही तो बोला था ना, हाँ 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य। तो जितनी पेंसिल बोला था उतना क्या हो जाएगा, यक्स के साथ हो जाएगा, यानी कि 5x + 7y और इनका मूल्य कितना था, 50 रुपया। ये समीकरण एक बन गया। दूसरा कंडीशन में इसी में बोल रहा है कि 7 पेंसिल, क्या बोला था, 7 पेंसिल और 2 कलमों का मूल्य है ना। तो लिख लो फिर 7 पेंसिल और 2 कलमों का मूल्य मतलब ये वाई इक्वल कितना रुपया, 46 रुपया। बस ये दोनों समीकरण आपके सामने आ गए, दोनों इक्वेशन हो चुके हैं, इसी को कर लेना है। ओके कर लोगे ना आप सभी, ठीक है, बहुत अच्छे। इन्हीं को हल करके हमें क्या करना है साथियों, ग्राफ बना देना है। अब इनको हल करने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यहाँ से आप x और y के मान निकाल लोगे और फिर उनको ग्राफ में रख लेना। चलो मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा और आगे। तो दोनों समीकरण के लिए हम अलग अलग सारणी बनाएंगे। तो पहले समीकरण के लिए देखो इधर, पहले समीकरण का पहले एक स्ट्रक्चर तो बनाने दो, रखोगे मान किस में रखोगे, ध्यान देना। पहले समीकरण के लिए साथियों इसमें आप x का मान निकालोगे, यानी कि 5x बराबर ये हो जाएगा आपका 50 - 7y, यानी कि यक्स बराबर हो जाएगा 50 - 7y बटा का हो जाएगा 5, ठीक ना। इसी में आपको मान रखने हैं, y के मान अलग अलग रखोगे तो यक्स के मान अलग अलग मिलेंगे। ये समीकरण सेकेंड वाला मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ, ध्यान देना।
7x + 2i = क्या है 46 है। यहाँ से x बराबर निकालोगे तो आपको मिलेगा, वो क्या मिलेगा 46 - 2i/7, ठीक ना। इसमें x के अलग अलग मान रखोगे तो y के अलग अलग मान आएंगे, ठीक ना। तो चलो दो वाला समीकरण मैं उधर ट्रांसफ़र कर दिया हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ। अब एक एक के बारे में बात कर लेते हैं, चलिए ठीक है। x के कोई ऐसे मान हम इसमें रखेंगे y के कि जो दूसरा वाला मान आए वो छोटा छोटा आए, ठीक ना। चलो तो y का मान इसमें हम कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पर अब 0 से लेकर अनंत तक आप y का मान कुछ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान देना, ऐसा मान रखोगे कि छोटा मान आए, मतलब x का मान भी छोटा है, बड़ा ना हो, नहीं तो ग्राफ बनाने में दिक्कत होगी। तो क्या करोगे, यहाँ पर लिखो y बराबर, अच्छा गेस करो, अगर हम y का मान 0 रख दें तो, अगर हम 0 रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा, फिर क्या होगा 50/5, यानी x का मान 10 आएगा। अगर हम 0 कर देंगे तो क्या आएगा 10 आएगा, लेकिन 10 भी काफ़ी बड़ा है ना। कोशिश करो कि x का मान 5-7 के लगभग आए, अगर यहाँ 0 रख दोगे तो ये 0 हो जाएगा, फिर 50/5 x का मान 10 आएगा। अगर हम y का मान 5 रख दें, सोचो क्या रख दें 5, तो साथियों 7 × 5 ये 35 हो जाएगा, और जब 50 से 35 घटाओगे कितना आएगा 15 आएगा, और 5 से काट दोगे 15 × 3 आएगा, देखो कितना छोटा सा आया ना, छोटा सा आया ना। तो यानी y बराबर 5 रखोगे, क्या रखोगे 5, तो 5 रख दो। चलो x बराबर 50 - 7y/5 हो गया 5, तो x बराबर 50 - 7 × 5/5, ध्यान देना ये 50 - 35/5 = 15/5 और इक्वल क्या आया 3। ओके बन गया ना, जल्दी लिख लो, इतना लिख लो फटाफट, कितना आ गया 3। अब देखो मैं एक एक को आपको दिखा रहा हूँ बना के, ध्यान देना। देखो बायां साइड हम बॉक्स बना ले रहे हैं, ये देखो बायां साइड हमने क्या किया, बॉक्स बना लिया, ठीक ना। ये बॉक्स हो गया, जब हमने वाई का मान 5 रखा तो एक्स का मान 3 आया। ओके इतना क्लियर। कुछ लोगों के दिमाग में आया होगा कि भाई 0 काहे नहीं रख रहे हो, है ना, 0 काहे नहीं रख रहे हो, तो चलो मैं 0 भी रख लेता हूँ, क्या दिक्कत है। एक्स इक्वल 50 - 7y/5 ना, वाई का मान 0 रखो, वाई का मान 0 रखोगे तो ये 7 का 0 में करोगे 0 हो जाएगा, तो ये 50/5 आएगा, काटोगे तो 10 आएगा। आप सभी 10th के स्टूडेंट हो, इतना छोटा छोटा बात बताने की ज़रूरत नहीं है, 0 लेवल मैथ में सीख चुके हो। तो इसका मान जब 0 रखा तो ये 10 आ गया, ठीक। अब क्या रखें, कोई बताएगा, वाई का मान एक और कुछ भी रखना, चाहे जो रख लो, कुछ भी रख लो, कुछ भी रख लो, चलो ठीक है। मान लो कि मैं 5 रख लेता हूँ, 5 तो मैंने रख लिया था, 7 रख लूँ तो, 7 रख लूँ तो क्या आएगा, देखो 7 रखूँगा तो 7 × 7 = 49, और 50 से 49 जाएगा 1/5 आ जाएगा, 1/5 मतलब दशमलव में हो जाएगा, लफड़ा फंस जाएगा यार, नहीं सही रहेगा, नहीं नहीं नहीं, मतलब ऐसा कुछ आए कि जो कि कट जाए 5 से, इसमें से घटाने के बाद। तो सोचो कि अगर मैं रख लेता हूँ 10, क्या रख लूँ 10, 10 रख लूँगा तो ये हो जाएगा 70, कितना हो जाएगा 70 माइनस का 70, और इसमें से घटाओगे तो माइनस का 20 आएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। एक्स का मान 10 रखो, और सॉरी वाई का मान 10, तो 10 रखोगे तो ये 7 × 70 और ये 5, देखो आ जाएगा, ये माइनस का 20/5 कटेगा तो माइनस का 4, देखो माइनस आए या प्लस आए छोटा नंबर है ना, ओके चलेगा। तो ये 10 और ये -4, समीकरण एक की सारी बीमारी दूर हो गई। इसी तरह का समीकरण दो का करना है साथियों, टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि क्वेश्चन लंबा है, अगर आपको समझाना ना हो तो जल्दी हो जाएगा, अगर आप समझ जाओगे तो इसे जल्दी जल्दी कर ले जाओगे, इसलिए समझना ज़रूरी है। दूसरा समीकरण में ऐसे रख रख के ट्राई करोगे, ठीक ना। तो मैं इसको रखूँ या ना रखूँ बोलो, ग्राफ बना के दिखा दूँ, ऐसे रख रख के आपको खुद से ट्राई कर लेना है, ठीक ना। सेकंड इक्वेशन में मैं दिखा दे रहा हूँ शॉर्टकट में, देख लो, ध्यान दीजिए। अब ये हैं ग्राफ, चलो इनको देखते हैं ग्राफ में कैसे रखते हैं, बहुत ध्यान से देखना। देखिए सेकंड वाले का मैंने बना दिया, जब y का मान हमने -2 रखा तो x का मान 8 आया, जब मैंने y का मान 5 रखा तो x का मान 3 आया, और जब मैंने y का मान 12 रखा तो x का मान -2 आया। करके देख लेना, 12th में 10th में पहुँचे हो आप सभी समझदार हो, है ना, इसके पहले की 3.1 की क्लास देखे होगे तो ये काफ़ी कुछ समझ गए होगे। चलिए ओके, पहले हमें क्या दिखाना है, पहला नंबर इक्वेशन वाला 3 और 5 दोनों देखो प्लस प्लस है ना,
यक्स पर 3 पॉइंट चलना है, वाई पर 5 चलना है। तो यक्स पर हम 3 चलेंगे प्लस में ये, यहाँ वाई पर 5 चलना है मतलब यहाँ। तो इसको क्या करोगे, ऐसे ले जाओगे कहाँ तक, उसके सामने तक जस्ट, और इसको ऐसे बढ़ाओगे, मतलब यहाँ पर कहीं है 3.5। समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छे से समझना, टाइम भले लग जाए 5 घंटा लग जाए लेकिन आपको समझ में आ जाए। ठीक, आगे देखना, यक्स पर 10 पॉइंट चलना है प्लस में, देखो प्लस है माइनस नहीं, वाई पर 0 है, वाई पे एक भी पॉइंट नहीं बढ़ना, तो यक्स पर 10 चलना है, देखो 9 यहाँ था ये 10, मतलब यहाँ हो गया, और वाई पर 0 है, वाई मतलब ऊपर ना जाएगा ना नीचे जाएगा, केवल इधर को भागेगा, इधर को नहीं जाएगा बिल्कुल कहीं नहीं, इसका मतलब ये 10.0 यहीं पर होगा, उसी बिंदु पर होगा, ऊपर नीचे नहीं खिसकेगा। यक्स पर -4 और वाई पर 10, यक्स पर -4, देखो माइनस पर जो आता है यक्स में इधर आता है, प्लस में उधर जाता है, वाई में प्लस ऊपर जाता है, माइनस नीचे आता है, तो माइनस का कितना 4 यानी यहाँ, और प्लस में वाई में कितना 10, 10 मतलब ये देखो बहुत लंबा जा रहा है यार, 8, 9, 10, इसीलिए मैं इसको लंबा मान नहीं लाना चाहता था कि बड़ा ना आए, जिससे ग्राफ के अंदर में आ जाए, तो ये 10 यहाँ कहीं होगा, ऐसे आएगा कहाँ तक, ये -4, यानी कहने का मतलब ये कहीं यहाँ कहीं आएगा, -4 और 10, ठीक ना, -4 और 10। अब यही क्या करना है, ग्राफ बनाना है, तो इसको आप ऐसे काट दोगे, मिला दोगे मतलब, ठीक ना, तो खींच दो जल्दी से फटाफट, क्या करना है साथियों, खींच देना है, चलो ये लो यहाँ से, ऐसे होते हुए जाएगा, तीनों को सबको काटता हुआ जाना चाहिए, एक बिंदु ये, एक ये और एक ये, ऐसे ये ऐसे होके हुए जाएगा, ऐसे ध्यान रहे, ये खींचते समय हमसे थोड़ा वो हुआ है, ये ऐसे जाना चाहिए, ऐसे मतलब इस पे होते हुए जाएगा, फिर ऐसे पटरी से खींचोगे तो आ जाएगा, ठीक ना, ऐसे पटरी रखना कि इसको भी टच करे, इसको भी और इसको भी, यहाँ पे ऐसे एरो बना देना, ये हो गया पहला ग्राफ। इस तरह से आप दूसरा वाला भी रख लेना, बात तो समझ गए ना कैसे करना है, ठीक ना। तो मित्रों हमारे पास NCERT की बुक नहीं है, तो हमने कुछ फोटोज वगैरह लिए हैं, इस वजह से हमने इससे मतलब आपको करवा दिया, कैसे लगा, समझ में आया होगा बताइएगा। PVR स्टडी फॉर 10th and 12th कोर्सेज का नया चैनल बनाया गया है, जिसे आप मैथ आसान है नाम से खोज सकते हैं, मैथ आसान है खोजेंगे तो आपको दिखेगा PVR स्टडी फॉर 10th and 12th कोर्सेज, ठीक ना, उस पर आपको सिर्फ 10th और 12th की मैथ, साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स जो भी है सब मिलेगा उसी में, ठीक ना। चलते हैं फिर, जय हिंद, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, अगली क्लास के लिए इंतज़ार करिएगा साथियों, अगर कोई सुझाव है तो कमेंट करिएगा, और अगर अभी तक आपने PVR स्टडी का ऐप्स इंस्टॉल नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि PVR स्टडी ऐप्स पर हम आपके लिए लाते हैं सुविधाजनक कोर्सेज, ऊपर नंबर दिया गया व्हाट्सअप का 9455633837, इस पर आप अपने किसी भी सुझाव और समस्या को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, जाते जाते इस वीडियो को दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, विशेष रिक्वेस्ट है अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, अगर पढ़ना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, नहीं तो जाने दीजिएगा।